नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है दिल्ली वेज फूडी चैनल पे। आज टमाटर वाली कोई रेसिपी है नहीं, सब खत्म हो चुकी है बिना टमाटर वाली। तो आज मैं आपके लिए सिंपल एंड इजी खाना लेकर आई हूँ, वो है आपका पराठा। लेफ्ट ओवर जो रात का मिला था दाल और चावल, उसको मिक्स करके मैंने पराठा बनाया है। बहुत स्वाद लगता है खाने में, तो कुछ नहीं है, जो दाल चावल बचे थे उनको मैंने मिक्स कर दिया और मैंने परात में ले लिया है आटा, और उसमें मैंने डाला है आपका जीरा, लाल मिर्च पाउडर, नमक और अच्छी खासी हींग। फिर वो दाल और चावल को उसमें डालकर हमें अच्छे से आटा डो लगा देना है। पानी की ज़रूरत पड़े तो डालना है, अदरवाइज पानी मत डालेगा, क्योंकि दाल है और नमक है, वो आटा पानी छोड़ देता है, वो लूज़ हो जाता है। फिर इसके बाद आटा लगाने के बाद थोड़ा सा घी डाल के उसको अच्छे से हमें मलाड़ देना है, सॉफ्ट कर देना है। ये हमारा आटा तैयार हो गया। इसकी मैंने पेड़ियाँ बना ली है छोटी छोटी बहुत सारी। सबसे पहले मैं पेड़ियाँ बनाई हूँ गाय की। हमेशा खा रोटी बनाते वक्त घी बताया गया है, जब तवा फर्स्ट टाइम चलाते हैं तो गाय की रोटी बनानी चाहिए, वो खाना नहीं चाहिए। तो पहले गाय की रोटी बनाई है, फिर मैंने पराठे बनाए हैं आपको अंदर घी लगाकर, फिर उसको अच्छे से बेल कर। घी लगा के बनाने से क्या होता है, उसकी अच्छी सी परत खुलती है और खाने में स्वाद लगता है। तो आपको दिख ही रहा है मैंने कैसे पराठे बनाए हैं, कैसे मैंने पराठे सेके हैं, सब प्रोसेस है। और लास्ट में एक छोटा सा टुकड़ा आटे का तवा पे डाल देना चाहिए, क्योंकि लास्ट में रोटी नहीं खानी चाहिए, ये भी बड़े बुजुर्ग बताए हैं, उसको मैं फॉलो कर रही हूँ। जो जो फॉलो करते हैं बहुत अच्छी बातें, नहीं करना है कोई बात नहीं। ये भाई मेरी सब्जी बोलते हैं, सॉरी बार बार सब्जी निकल रहा है, प्लीज़ माइंड मत करेगा। ये मेरी रोटी तैयार हो चुकी है, हेल्दी है, बेस्ट है, अन्नपूर्णा का कोई क्या बोलते हैं आपको अनादर भी नहीं है, सब यूज़ हुआ हुआ है। तो आप लोग भी बनाइए, खाइए, और मैं भी खाने जा रही हूँ। तो भाई टाटा बाय बाय, कल आपसे फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, इसी तरह की छोटी मोटी रेसिपी जो घर पे हम लोग सब यूज़ कर सकें। तो टाटा बाय बाय।